वैशाली और अभिनव दोनों प्रोजेक्ट की डेट पास आने पर काफी बिजी थे। अक्षत एक हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। उसके ऑफिस में ना होने पर वैशाली को शांति मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आजकल उसे अक्षत का पागलपन देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के कोने में उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। उधर स्नेहा सब जगह वैशाली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैशाली उसको कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो वापस वहीं आ गई जहां मुकुल ने उसको काम सीखने के लिए छोड़ा था। जिस लड़की को मुकुल ने स्नेहा को काम सिखाने के लिए छोड़ा था, वो स्नेहा से काफी नाखुश लग रही थी। उसने अपनी एक दोस्त से शिकायत करते हुए कहा, ये मुकुल सर इस लड़की को कहां से उठा कर लाया, ये तो बस इधर से उधर नाच रही है, कुछ काम तो सीख ही नहीं रही है। उसकी दोस्त ने कहा, वो हमारे सर हैं, अब हम उन्हें कह ही क्या सकते हैं। स्नेहा को पूरा दिन वैशाली नहीं मिली, लेकिन जब शाम को वो घर जाने के लिए मुकुल के साथ बाहर आई तो उसने देखा कि वैशाली बड़े आराम से अभिनव के साथ मुस्कुराते हुए बाहर निकल रही थी। स्नेहा की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गई। उसने मुकुल का हाथ छोड़ा और वैशाली के पास गई। स्नेहा मुस्कुराकर वैशाली से बोली, दीदी आपका काम हो गया। स्नेहा बोल तो वैशाली के साथ रही थी, लेकिन उसकी नजरें अभिनव पर थी। अभिनव ने स्नेहा की तरफ एक बार भी नहीं देखा और उसने वैशाली से कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूं। ये कहकर अभिनव वहां से निकल गया। स्नेहा ने देखा कि अभिनव ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वैशाली स्नेहा की इतने प्यार से बात करने से हैरान थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, स्नेहा दोबारा से बोली, वाह दीदी क्या बात है, आप तो कंपनी के मालिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब उसका मन आपसे भर जाएगा ना तो वो आपको छोड़ देगा। ये मत समझना कि वो आपसे प्यार करता होगा और आपसे शादी करेगा। वैशाली ने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो उसको ज्ञान दे रही थी। वैशाली ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये जो ज्ञान तुम मुझे दे रहे हो ये तुम्हें मुबारक हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैशाली ने फिर उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा और वहां से चली गई। स्नेहा उसके इस बर्ताव से और भी ज्यादा चिढ़ गई। उतने में मुकुल भी चलकर वहां आ गया। उसने स्नेहा की तरफ देखकर कहा, आई थिंक तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। स्नेहा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ कुछ ज्यादा ही। इसी तरह एक हफ्ता कब बीत गया। अक्षत भी अब वापस आ चुका था, ऑस्ट्रेलिया किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। सोमवार का दिन था और मिस्टर मेहरा भी वैशाली और अभिनव का प्रोजेक्ट देखने के लिए ऑफिस पहुंच चुके थे। अक्षत ने अभिनव से पूछा, क्या तुम तैयार हो। अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, भाई इस बार मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अक्षत ने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा और कहा, वो अभी तक क्यों नहीं आए। जब अक्षत ने अभिनव से पूछा कि वो कहां है, अभिनव ने अनजान बनते हुए तुरंत कहा, वो कौन। अक्षत ने उसको घूर कर देखा तो अभिनव डर गया। तभी उसे वैशाली आती हुई दिखी। अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, भाई आ गई आपकी वो। अक्षत ने वैशाली की तरफ देखा और बस उसको देखता ही रह गया। उसने धीरे से कहा, ऑफिस में इतना सज धज के आने की जरूरत क्या है। अभिनव अक्षत के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने जैसी अक्षत की बात सुनी तो वो जानबूझकर उसे पूछने लगा, भाई आपने कुछ कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप उसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अक्षत ने उसको इग्नोर किया और वैशाली से कहा, लगता है तुम्हें टाइम की कदर नहीं है, तुम पूरे 3 मिनट 16 सेकंड लेट हो। वैशाली अक्षत को हैरानी से देखने लगी। वो धीरे से गुस्से में बुदबुदाई, ये आदमी। अक्षत ने फिर वैशाली से दोबारा कहा, अब क्या मुझे ही देखती रहोगी, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं पर अभी हमें प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, मिस्टर मेहरा भी आ चुके हैं, बाद में तुम मुझे जितना चाहो उतना प्यार से देख सकती हो और चाहो तो मुझे अपने पास भी रख सकती हो ताकि जब चाहे मुझे देख सको। वैशाली अक्षत की बात सुनकर लगभग बेहोश ही होने वाली थी। उसका मन उसको एक जोरदार थप्पड़ मारने का कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी ये विश पूरी नहीं कर सकती थी।
अक्षत वैशाली को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, जैसे उसको सब पता था कि वैशाली मनी मन क्या सोच रही है। अभिनव ने अक्षत के कान के पास जाकर धीरे से कहा, भाई आपको गलतफहमी हुई है, इसको प्यार से देखना नहीं घूरना कहते हैं। अभी आप प्यार में नए हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अक्षत ने अपनी आंखें सिकोड़ कर थोड़े गुस्से से कहा, तुम अपना बिना हड्डी का दिमाग चलाना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और तुम भी। फिर अक्षत ने वैशाली की तरफ बिना देखे कहा। लगभग एक घंटे बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अक्षत मिस्टर मेहरा के साथ बातें करते हुए बाहर निकलता है। उनके ठीक पीछे वैशाली थी जो एक पेपर पेन लेकर कुछ नोट कर रही थी। अभिनव अभी भी दरवाजे को पकड़े हुए था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे मेरे लिए भी रुको। अक्षत मिस्टर मेहरा को बाहर तक छोड़ने गया। उनके जाने के बाद जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वैशाली भी वहीं खड़ी थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वैशाली उसकी बात सुनकर मरना चाहती थी। वो गुस्से से बोली, आपने ही तो कहा था कि मुझे फॉलो करो। अक्षत थोड़ा झुक कर वैशाली के कानों के पास जाकर कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे तुम्हें किस करना है तो तुम वो भी मानोगी? वैशाली ये सुनकर हैरान थी और वो डर के कारण थोड़ा पीछे हटी। फिर उसने अक्षत से कहा, ये आप क्या बेहुदा बातें कर रहे हैं, दूर हो जाइए मुझसे, अगर किसी ने देख लिया तो। पहले भी आपकी वजह से मेरे पूरे ऑफिस में चर्चे हैं। अक्षत ने आसपास अपनी नजरें घुमाई और कहा, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने देख भी लिया, लेकिन अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती हो तो हम मेरे कैबिन में चल सकते हैं, वहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैशाली अपनी एक उंगली अक्षत की तरफ दिखाते हुए कहती है, आप बेशर्म। इससे पहले वो कुछ और कह पाती, अक्षत ने उसको उसकी कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया। जैसे अक्षत वैशाली को उसकी तरफ खींचता है, उसके पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज नीचे गिरी हो। वैशाली थोड़ा डर गई और डर के कारण अपने आप को अक्षत की बाहों में छुपा लेती है। अक्षत की नजर उस गमले पर गई जो अभी अभी वहां गिरा था, जहां अभी वैशाली खड़ी थी। अगर उसने थोड़ी भी देर की होती तो अभी तक वैशाली का हाल पता नहीं क्या होता। वैशाली ने एक बार धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसे जमीन पर एक गमला पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने ये देखकर फिर से अक्षत को जोर से पकड़ लिया। अक्षत वैशाली के इस तरह उसको हक करने से थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही वो भी उसको वापस हक कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वैशाली को ना जाने क्यों आज अक्षत की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। तभी अभिनव वहां आ गया। उन दोनों को इस तरह देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, भाई जगह तो देख लीजिए, रोमांस करने से पहले कहीं भी शुरू मत हो जाया करिए। अभिनव की बात सुनकर वैशाली जल्दी से अक्षत से दूर होती है और अभिनव से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं थोड़ा डर गई थी। ये कहकर वो वहां से जल्दी से भाग जाती है। वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वो अक्षत और अभिनव से थोड़ा दूर आई और अपने सर पर एक चपत लगाते हुए बोली, वैशाली तो पागल हो गई है क्या, जो उस खड़ूस के गले लग गई और उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मनी मन खुद को कोस रही थी। अब अभिनव और अक्षत एक दूसरे के सामने खड़े थे। भले ही उनके बीच काफी दूरी थी, लेकिन अभिनव को महसूस हुआ कि उनके बीच के फासले काफी कम हो गए हैं। अभिनव अपना पसीना पोंछते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, ये ऑफिस तो आपका ही है, आप जहां चाहें वहां शुरू हो सकते हैं। ये कहकर अभिनव वहां से खिसकने लगा। उसी वक्त अक्षत की एक रौबदार आवाज अभिनव के कानों में गूंजी, रुको। अक्षत को अभिनव के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने आज उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल खराब कर दिया था। पर उसने ये सब इग्नोर किया और उस गमले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गमला वैशाली के ऊपर गिरने ही वाला था, अगर मैं ना होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। पता करो कि ये कैसे हुआ, किसी ने जानबूझकर वैशाली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? अभिनव ने एक बड़ी हां में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी पता करता हूं, आखिर मेरी होने वाली भाभी को कौन मारना चाहता है। अक्षत की आंखें उसकी बात सुनकर चौड़ी हो गईं।
उसके दिमाग में वो शब्द गूंजने लगे जो अभिनव ने कहे थे, मारना चाहता है। वो कभी सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकता था। अभिनव ने अपने भाई की आंखों में परेशानी को देख लिया। उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि कौन भाभी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या सच में कोई वैशाली को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या ये है कोई हादसा? जानने के लिए सुनते रहिए मैडनेस इन लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।